तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मटन दम बिरयानी बनाना। और 100 से 200 ml के आसपास ले लिया है मैंने ऑयल। अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ खड़े गरम मसाले। देखिए ये पीपली है और बहुत ही अच्छी जाती है मटन के साथ, लॉन्ग पेपर इसे बोलते हैं, इसे ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है मटन के साथ ये मसाला। अच्छे से स्टर कर लें आप मसालों को ताकि खुशबू छोड़ दे। देन मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ 700 ग्राम के आसपास मटन, और मटन को आप 2 से 3 बार अच्छे से फ्रेश वाटर से वॉश कर ले, ठीक है जी। देखिए इस प्रोसेस को हमारी लोकल लैंग्वेज में मीट को कसाना बोलते हैं। 1 चम्मच अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगा और अच्छे से इसे कसाऊंगा, ठीक है जी। कसाने का मतलब है जो उसकी अनॉइंग जो स्मेल होती है वो निकल जाती है मटन की, जो आप लोगों को पसंद नहीं है और कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। तो देखिए इस दरमियानी साइज़ की बॉटी हम करा लेंगे अपने बुचर से, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, ये परफेक्ट साइज़ है बिरयानी के लिए। देखिए अच्छे से 3 से 4 मिनट भुनाई हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो देखिए भुनाई होने के बाद कुछ इस तरह के दस्तूर हाल आता है। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के आसपास जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने जा रहा हूँ। हम अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे, मिला लेंगे ताकि ये ऑयल में अच्छे से जज्ब हो जाए, ठीक है जी। तो इसकी भी हम हाई फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हमारा मसाला जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट नीचे लग रहा था, मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसे फिर से अच्छे से मिला लिया। देखिए सब फ्लेवर है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है जी। अब मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले डालने जा रहा हूँ, मीट मसाला, कश्मीरी मिर्च पाउडर, सब मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, देन गरम मसाला। अच्छे से इन्हें भी स्टर कर लेंगे, मिला लेंगे, और इन मसालों की मज़ीद हम 7 से 8 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे। अगर ये नीचे लगने लगे मसाले तो आप जो है इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी, ठीक है जी। देन मैं इसमें डालने जा रहा हूँ 150 ml के आसपास फ्रेश दही। दही थोड़ा सा आप ज़्यादा ही रखिएगा, मटन में थोड़ा दही ज़्यादा लगता है, ठीक है जी। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। अच्छे से स्टर कर ले और जब ये जज्ब हो जाए, मिल जाए दही ऑयल में, तो हाई फ्लेम पर इसकी लगातार 6 से 7 मिनट भुनाई करें जब तक दही खुश्क ना हो जाए, ठीक है जी। तो ये देखिए कुछ इस तरह के दस्तूर हालात है और दही खुश्क हो चुका है हमारा मसाला सारा नीचे पैन में लगने लगा। तो इस मुकाम पर आकर मैं डालने जा रहा हूँ ब्राउन प्याज यानी कि बिरिस्ता। ये 2 मीडियम साइज़ प्याज के बिरिस्ता है। अच्छे से इसे भी स्टर कर लेंगे, मिला लेंगे अपने मिक्सचर में। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और टेक्सचर बदल देता है ब्राउन प्याज। इस मुकाम पर आकर मैं 750 ml के आसपास इसमें पानी डालने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको ये ज़्यादा लगेगा, मुझे पर्सनली ऐसा मटन पसंद है जो होठों से टूट जाए। इसे दम पर पकाता हूँ और मुझे ऐसे अच्छा लगता है। आप चाहें तो कुकर में पका सकते हैं, मुझे कुकर में पकाना उतना पसंद नहीं है। तो इस मुकाम पर आकर अब मैं इसे कम से कम 1 घंटे से 1.25 घंटे के आसपास दम पर रख दूँगा। तो देखिए 1.25 घंटे बाद किस तरह के हालात हैं। लगभग 70-80% हमारा मटन पक चुका है। इस मुकाम पर आकर मैं इसमें ऐड कर दूँगा 7 से 8 फ्रेश ग्रीन चिली। आप इसे साइड पर उठाकर रख दें। अब मिलते हैं चावलों पर, ठीक है जी। देखिए एक बड़े से पैन में मैं डालने जा रहा हूँ 3 छोटी इलायची, 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। देन मैं इसमें कच्ची बासमती जो आधा घंटे भीगे हुए हैं ये डालने जा रहा हूँ, ठीक है जी। ये सैला बासमती नहीं है, आप ध्यान रखिए कच्ची बासमती है। और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालने जा रहा हूँ। एक बार स्टर करेंगे, ज़्यादा हमें छेड़ा छाड़ी नहीं करनी है क्योंकि कच्ची बासमती बहुत सॉफ्ट होता है, टूट जाएगा, ठीक है जी। तो हमें तोड़ना नहीं चावल को। तो इसे मैक्सिमम 8 से 10 मिनट पकाना है। 40% हम इसे टोटल कुक करेंगे, ये देखिए इस कंडीशन तक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस कंडीशन तक हम कुक करेंगे। स्ट्रेन कर लिए अपने चावलों को, फिर मिलता हूँ मैं आपसे बिरयानी पर। अब मैं अपने कोरमे में डालने जा रहा हूँ धनिया पत्ती और फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ चावल। चावल को बहुत ही जेंटली हल्के हाथ से स्प्रेड करेंगे क्योंकि टूट जाता है चावल, ठीक है जी। ये देखिए इस तरीके से इतना प्यारा लग रहा है अभी से, ठीक है जी। बन के क्या क्या कमाल बनेगा। तो इस तरीके से आप स्प्रेड कर ले अच्छे से। अब मैं इसमें येलो फूड कलर डालने जा रहा हूँ, आप चाहे केसर भी मिला सकते हैं। अब मैं इसमें मिलाने जा रहा हूँ अपना दूसरा कलर जो जर्दे वाला कलर होता है, देन बिरिस्ता। देन मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, ठीक है जी। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे ढककर लगभग 40 से 45 मिनट बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर पकाएं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए आप वेट ज़रूर रखिएगा, हाँ जी, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो देखते हैं वेट उठाकर और ढककर। आ हा 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 हा, क्या खुशबू आई है जी, वाह मज़ा आ गया जी। तो ये देखिए जब भी हम बिरयानी निकालते हैं
थोड़ा साइड से और जेंटली हाथों से निकालेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और नीचे एक्सेस मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अगर एक्सेस मॉइस्चर है तो इसका मतलब आपकी बिरयानी अच्छे से कुक नहीं हुई है। पैन साफ चमकना चाहिए नीचे से, और देखिए बोटी भी पक चुकी है। अब मिलते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पर, ठीक है जी। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट यानी कि टेस्टिंग। बहुत देखते हैं खाकर मटन दम बिरयानी कैसी बनी है। देखिए गाइस इस तरह की लग रही है और परंपरागत तरीके से हाथ से ही मैं खाकर देखूंगा। तो पहले मैं सिर्फ साधारण सिंपल चावल खा के देखूंगा, ठीक है जी। एक निवाला बनाकर देखते हैं खाकर। वाह, कच्ची बासमती क्या जादू है इन चावल में। कच्ची बासमती जो चावल है इनका मुख्तलिफ एक खुद का एक हल्की सी मिठास होती है इन चावलों में, ठीक है। तो प्लीज़ आप कच्ची बासमती चावल का उपयोग कीजिएगा प्रॉपर, जैसे आपके भाई ने बताया उस तरीके से आप पकाइएगा। तो अब मैं एक नल्ली का पीस देखता हूँ खाकर, मतलब गर्म गर्म पीस देखते हैं खाकर। ये फोटो से जो टूट गए, यानी मक्खन बन गया है जी, मक्खन। हाँ जी, इतना लज्जतदार टेंडर टेंडर बनाया ना जी, वाकई में देखो। ये इसमें से निकलता है नहीं, मेरे हिसाब से वो रेसिपी वो बिरयानी यूजलेस है, बेकार है, जिसे रायते की, सालन की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े। असल में बिरयानी वही होती है जिसे अपने आप में जो मुकम्मल हो, जो पूरी हो, कंप्लीट हो, जिसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। डोंट फॉरगेट योर चैनल KKNC यानी कि खाने का नाम जिंदगी, कीप सपोर्टिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, आपके भैया सुमित बिरला के साथ।